स्कूल में रखा बम निकला नकली। भिंड पुलिस के लिए मुसीबत बना महगांव, स्कूल में रखा बम निकला नकली। शरारती तत्वों ने की शरारत, जांच जारी। महगांव में दहशत फैलाने वाला और सबसे अधिक चर्चा में रहा महगांव स्कूल में बम निकला नकली। महगांव में सुबह स्कूल संचालक को दो लड़कों ने बताया कि आपके गेट पर बम टाइप का कुछ रखा हुआ है, तो स्कूल संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जहां तुरंत महगांव थाने के SDOP राजेश राठौर, थाना प्रभारी शिव सिंह यादव और सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल बम स्क्वाड पुलिस ग्वालियर को सूचना दी, जहां टीम ने 3 घंटे रेस्क्यू को चलाकर बड़ी मशक्कत से जांच कर पता लगाया कि किसी शरारती ने स्कूल संचालक को धमकाने के लिए शरारत की है और बम टाइप का नमूना बनाकर मेन गेट पर रख दिया। ग्वालियर टीम के साथ साथ भिंड पुलिस अधीक्षक भी महगांव मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी नकली बम होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा है जिन शरारती तत्वों ने यह हरकत की है, जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुबह मैंने जब विद्यालय खोला, 2 छात्र आए थे, उसके बाद उन छात्रों ने बताया कि सर आपके दूसरे गेट पे कुछ रखा हुआ है। मैं उस तब गया, देखा तो मुझे कुछ संदिग्ध सा लगा, मैंने तुरंत ही डायल 100 को सूचना दी और सूचना देने के बाद उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने उसको देखा और उसके बाद उन्होंने चेकिंग दस्ते के लिए फोन कर दिया। आपको किसी को संदेह है? नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं है, बस उस पर एक चिट्ठी और नोट लिखा गया है कि जिसमें हमारे एक अलावा 7 अन्य स्कूलों में बम रखा गया है। ये किसी ने शरारत की है क्योंकि इसमें पावर सोर्स नहीं है, सर्किट सही ढंग से नहीं लगा हुआ है और क्योंकि एक्सप्लोसिव भी नहीं है, उसमें आगे अपराध रजिस्टर करके विवेचना की जाए। ये अभी जैसे विवेचना शुरू हुई है, पहले हम लोगों ने सोचा कि ID है तो इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत ही जो है बॉम्ब सूट पहन के BDDS की टीम द्वारा जो है इसको देखा गया और जब देखा गया कि एंटी हैंडलिंग नहीं है तो फिर इसको खोला गया, तो इसमें मिट्टी पाइप को काट कर मिट्टी भरी गई है और ये संपूर्ण रूप से शरारत है। तो क्या कहेंगे इसको, बम की किसी कैटेगरी मानेंगे इसको? नहीं, ये बॉम्ब है ही नहीं, किसमें एक्सप्लोसिव है ही नहीं। सर उसमें नमस्ते उसकी विवेचना की जा रही है, वो सब करा लिया गया है, कहीं भी कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। किस एंगल में जांच होगी उसमें पूरे मामले? अब ये किसी ने शरारत की है उसी एंगल में जांच होगी। तो सर ये पूरी तरीके से जो दहशत का मामला खत्म समझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सप्लोसिव नहीं पाया गया, कोई पावर सोर्स नहीं है, इसलिए इसे IED या बॉम्ब नहीं माना गया और विवेचना की जा रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो प्लेयर्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।